नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको 30 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जो स्टेटमेंट है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी जैसे मैंने एक पहले भी एक एग्जांपल करवाई थी प्रूव करना है, इसको दो मेथड बताए थे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे एक लाइन प्रूव कर सकते हो, या क्या कर सकते हो आप वाई टू और वाई वन की वैल्यू निकाल के रख सकते हो। वाई वन का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की दो वैल्यूज निकाल के लेफ्ट साइड में पुट कर सकते हो और राइट साइड जीरो प्रूव कर सकते हो। ये सेकंड मेथड था। मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करवाऊंगी। देखो क्या है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, जो y1 y2 का मतलब होता है, जो y1 होता है इसका मतलब होता है dy बाय dx, और y2 का मतलब होता है डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, डबल डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर y3 आ जाए तो मीन्स डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। सोल्यूशन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्केयर। सबसे पहले हम y1 निकालते हैं, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे कॉस इनवर्स एक्स की एक पावर कम इंटू डी बाय डी एक्स, किसका करना है हमने, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो वाई वन आ जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स, टू माइनस वन वन, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई वन आ गया। अब देखो हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ लेकर आना है, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ही हमने यहाँ डेरिवेटिव करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई वन के साथ, और इससे बचेगा माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स, ये बचेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, यहां से स्क्वेयर से रूट कट हो गया और इधर वाई वन स्क्वेयर आ जाएगा। देखो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयर से रूट कट होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, माइनस का स्क्वेयर क्या होता है प्लस, टू का स्क्वेयर फोर, कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यानी हर टर्म का स्क्वेयरिंग करना है, यहां भी स्क्वेयरिंग करना है, इसका भी, माइनस का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, सभी की स्क्वेयरिंग मैंने कर दी। अब देखो यहां पर अगर अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे, वाई टू निकालेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको नाम देते हैं, जैसे ये फोर है, जो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, स्टेटमेंट में देखो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को वाई कहा हुआ है, तो हम भी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को वाई लिखेंगे, यानी ये टर्म हमने किसके को लिख दी, फोर वाई के। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू वाई वन, पहले पावर का करना है, पावर आगे टू वाई वन इंटू वाई वन का डेरिवेटिव होगा वाई टू। जब हम डीवाई बाय डीएक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डीएक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स वाई वन है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स वाई टू है, तो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2 टू प्लस वाई वन स्केयर एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्केयर, वन का जीरो माइनस एक्स स्केयर का माइनस टू एक्स इज इक्वल। अब इसका करना है डेरिवेटिव, फोर कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव y1, क्योंकि हम y का डेरिवेटिव क्या करते होते हैं, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स वाई वन ही होता है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई वन। तो देखो प्रूव में हमें क्या चाहिए, वन माइनस एक्स स्केयर वाई टू चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू ये नहीं चाहिए, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2y1, इससे हम डिवाइड करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्र टू वाई वन इंटू वाई टू के साथ भी 2y1 से डिवाइड किया, माइनस प्लस माइनस माइनस 2xy1 स्क्र, इसको भी 2y1 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू 4y1 को भी 2y1 से डिवाइड किया, बेस अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, 2y1 से 2y1 कट हो गया, ये 2 से 2 कट, y1 से y1 कट, ये टू आ जाएगा, ये वाई वन से वाई वन कट हो जाएगा, क्या बचेगा, वाई टू यहां बचेगा, यहां बचेगा एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू, यानी वन माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन, ये माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो। देखो यही प्रूफ करना था ऊपर, प्रूफ देखो, वन माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमने प्रूव कर दिया, और ये प्रूफ फर्स्ट मेथड से मैंने किया है, और फर्स्ट मेथड से ये ध्यान रखना है कि हमने जो प्रूव करना है अकॉर्डिंग देखना है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले उस तरफ लेकर आना पड़ेगा, तब आगे स्क्वेयरिंग की मैंने, क्योंकि रूट नहीं था, स्क्वेयरिंग करके फिर आगे हमने डिफ्रेंशिएट अगेन कर दिया, फिर जैसे जैसे प्रूव होता जा, जैसे प्रूव करना है वैसे जैसे स्टेप्स करने हैं उसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट मेथड था, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या बताते थे,
मैं आपको सीधा बताती हूँ सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सिर्फ y1 और y2 दोनों की वैल्यू निकाल के रख लेंगे। y1 और y2 मैंने y1 की निकाली थी ना, आपने y1 की भी निकालनी है, y2 की भी निकालनी है डेरी, मतलब इसका फिर डेरिवेटिव करना है, यानी इसको उधर नहीं भेजना, फिर डेरिवेटिव करोगे। और डेरिवेटिव कैसे करोगे, जैसे ये ऊपर नीचे टू फंक्शन है, क्वेश्चन रूल लगा के आप इसका डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, क्वेश्चन रूल लगाओगे तो y2 और y1 की वैल्यू आएगी, वो हमने यहां रखनी है और उसको कट कुट करके सारा जीरो प्रूव करना है। अगर जीरो प्रूव हो रहा है मीन्स आपकी कैलकुलेशन सही जा रही है, अगर नहीं प्रूव हो रहा है मीन्स आप फिर इस मेथड से ना करना, फिर आप फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करना। सेकंड मेथड की कई बार कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाती है, तो फर्स्ट मेथड तो सारे ही इस तरीके से करने वाले होते हैं सम, तो आप सेकंड मेथड भी कर सकते हो, फर्स्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको 31st का बी पार्ट करवाऊंगी कि वाई हमें गिवन है, हमें ये चीज शो करनी है, तो dy बाई dx और डी स्क्वायर। अब यहां पर dy बाई dx सिंबल यूज हो रहा है तो हम dy बाई dx यूज करेंगे। सोल्यूशन है y कितना दिया हमें, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर m, ये हमें y दिया हुआ है। अब हमने डेरिवेटिव करना है, पहले dy बाई dx निकालते हैं, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे इस फंक्शन की पावर कम, m में से एक वन माइनस करना, एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट वाली टर्म का करना है वो मैं सीधे करने लगी हूँ, ब्रैकेट वाली टर्म का x का डेरिवेटिव वन होता है, प्लस रूट एक्स, रूट का मैंने बताया वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसका हमने रूट का करना है वो नीचे आ जाएगा और टू लग जाएगा, वन बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और साथ में इसी का ही करना है, अभी इसी का नहीं हुआ, रूट के अंदर वाली टर्म का भी करना है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, 2 से 2 कट हो गया, देखो क्या बचेगा m इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर m माइनस वन, यहां बचेगा 1 प्लस ऊपर x बचेगा, नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बचेगा x इसके साथ ही है 1 के साथ, ये बचेगा, यानी m इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर m माइनस वन, यहां मैंने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एलसीएम ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये आ जाएगा, ये भी देखो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये भी x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस सेम है, पावर्स एड हो जाएंगी, इसकी पावर वन है, इसकी ऊपर की पावर भी वन है, नीचे की भी वन है, तो ऊपर वाले की जो बेस सेम है, ऊपर के बेस सेम है, तो पावर से ऐड हो जाएगी, यानी कि पावर ऐड होकर कितनी बनेगी, ये पावर कितनी है m माइनस वन और इसकी कितनी है प्लस वन, पावर क्या कर दी मैंने ऐड कर दी, और नीचे ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या आ जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन से वन कट हो गया, क्या बचेगा m, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस तरफ चल रहा था हमारा dy बाय dx, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने देखो ये प्रूव करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है dy बाय dx यानी के साथ होना चाहिए, तो हमारे पास ये नीचे टर्म है, इसको हम मैं फर्स्ट मेथड से करवाऊंगी, ये डिवाइड में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने डबल डेरिवेटिव नहीं करना, अगर आपने सेकंड मेथड करना है तो फिर आप डबल डेरिवेटिव करके यहाँ लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करके राइट साइड जीरो प्रूव कर सकते हो, वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, यहां पर हम सीधे ही करेंगे फर्स्ट मेथड से, ये डिवाइड में इसको उधर ले जाऊंगी, पिछले सम में मैंने ऐसे ही करवाया था जो चीज डिवाइड में इसको उधर ले गई, क्योंकि हमने प्रूव में देखना है कि ये टर्म उस तरफ है, इज इक्वल टू एम इंटू, ये देखो ये जो है ना एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर एम, ये वाली टर्म ये वाई है, इसको हम वाई रखेंगे, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर एम क्या है वाई, तो हम मैं इसको वाई रखूंगी, एम वाई आ गया और ये डिवाइड में उस तरफ चला गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरफ स्क्वेयरिंग की डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग की एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएट, फिर डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, इसका पहले पावर का करना है टू डीवाई बाई डी एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स का भी करना है, वो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसे वाई का किया था वाई वन, वाई वन का वाई टू, तो ये y1 का डेरिवेटिव y2 है, यानी dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्र एज इट इज रखना है, यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, अब इसका करना है m स्क्र तो कांस्टेंट है ये वैसे ही रहेगा, वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का भी करना है, वो कहता है dy बाई डी एक्स,
अभी यहाँ हम वाई वन वाई टू नहीं लिखेंगे बिकॉज प्रूव में देखो, यहाँ जो हमने प्रूव करना है उसमें डेरिवेटिव इस फॉर्म में है डीवाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ वाई वन वाई टू की फॉर्म होती तो हम वाई वन वाई टू लिखेंगे, नई फॉर्म है। अगर यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स की फॉर्म है तो हम डीवाई बाई डी एक्स ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हमने देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म नहीं है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, यानी इसके साथ टू डीवाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप करना आप, मैं यहाँ ही करने लगी हूँ, टू डीवाई बाई डी एक्स के साथ इधर भी डिवाइड कर देंगे, टू डीवाई बाई डी एक्स के साथ इस तरफ भी, और टू डीवाई बाई डी एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। ये कट हो जाएगा टू डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ से टू से टू कट, डीवाई बाई डी एक्स से एक पावर कट हो जाएगी, यहाँ से टू कट और डीवाई बाई डी एक्स से डी कट, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स बचेगा साथ में डीवाई बाई डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू यहाँ बचेगा एम स्क्वायर, ये वाई बचेगा। देखो हमने प्रूव यही करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई, ये प्लस का एम स्क्वायर वाई इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये प्रूव हो गया, आंसर आ गया। ये फर्स्ट मेथड से मैंने आपको प्रूव करवाया।